बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, आज मैं चिकन की बहुत यमी, बहुत टेस्टी और क्विक बनने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बहुत आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। ये बोनलेस चिकन लिया है हमने, तकरीबन 300 ग्राम, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 अंडा, 1 खाने का चम्मच वाइट विनेगर, और मसालों में हमारे पास है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने बोनलेस चिकन लिया है और इसको इस तरह के पीसेस में काट लिया है, ये देखिए। अब हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। सबसे पहले हम अंडे को फेंट लेंगे। अब इसमें अंडा शामिल करेंगे, विनेगर डालेंगे, चिल्ली सॉस डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और पाउडर मसाले डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम एक और स्टेप करेंगे। हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इसके हमने ब्रेड क्रम तैयार करने हैं। पहले हम इनके किनारे काट लेंगे चारों साइड से। किनारे हमने काट लिए हैं, इन किनारों को भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे। इनके बारीक वाले ब्रेड क्रम बाद में हम तैयार कर लेंगे, लेकिन इस रेसिपी के लिए हमें नॉर्मल वाले ब्रेड क्रम नहीं चाहिए। इसके लिए हमें मोटे वाले ब्रेड क्रम चाहिए। इसके लिए हम यूँ ब्रेड को काट लेंगे स्ट्रिप में। ब्रेड को हमने स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब हम इसको यूँ काटेंगे, इस तरह से ये मोटे मोटे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे, जिससे हमारा चिकन और भी टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। ब्रेड क्रम्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह के ब्रेड क्रम हमें चाहिए। जी बस, चिकन की मैरिनेशन को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने चिकन के पीसेस की कोटिंग करनी है। इसके लिए हमने ब्रेड क्रम्स जो अभी हाथों से बनाए, अभी ये मोटा मोटा ब्रेड क्रम्स जो तैयार किया है, उसके अलावा हमने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी ले सकते हैं। 1 अंडा लिया है। अंडे को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब हम चिकन के पीस लेंगे। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर में कोट करेंगे, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। इसके बाद हमने अंडे में डिप करना है। इसके बाद हमने ब्रेड क्रम की कोटिंग करनी है। इस तरह से हमने एक एक करके तमाम पीसेस की कोटिंग कर लेनी है। जी बस, चिकन के तमाम पीसेस की कोटिंग हमने कर ली है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे, ताकि जो हमने ब्रेड क्रम लगाए हैं, इसकी कोटिंग जो की है, वो अच्छी तरह सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने फ्रिज से निकाल लिए चिकन के पीसेस। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम तमाम पीसेस को ऑयल में डालते हैं। ऑयल को तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का गर्म करना है, ताकि जो ब्रेड क्रम लगे हैं वो ऊपर से जल ना जाए। तमाम पीसेस हमने इसमें डाल दिए हैं। अभी 2 से 3 मिनट तक हम इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब तक एक साइड से फ्राई हो जाए, तब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइड चेंज करते हैं। फ्लेम को हमने लो रखना है। अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से ब्रेड क्रम जल जाएंगे और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमने फ्लेम को लो रखना है।
चिकन को हमने 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो चुका है, अब ये बिल्कुल रेडी है। क्रिस्पी चिकन हमारा तैयार है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी चिकन तैयार हुआ है। आप इसको क्रिस्पी चिकन नगेट्स भी कह सकते हैं, क्रिस्पी चिकन फ्राई भी कह सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।